हेलो फ्रेंड, सोना की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एकदम अलग तरीके से मिठाई, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई है, जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। जो ये हमने तरबूज से बनाई है, तरबूज की छिलकों से, जो कि लोग फेंक देते हैं, इससे भी बहुत अच्छी मिठाई बन के तैयार होती है। ये हमने तरबूज लिया है, उसको हमने छील के छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लेंगे। हमने इसका थोड़ा सा रेड पोर्शन रखा है ताकि इससे बहुत ही अच्छा कलर दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए, इसी तरीके से हम छोटे छोटे पीस काट के हम रख लेंगे। ये मिठाई एकदम उसकी तरह लगते हैं जैसे पेठा। वो बहुत ही आसान होता है इसे बनाना भी। आप एक बार बनाएंगे, आपके बच्चे से खाना बहुत ही पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये हमने 3 ग्लास के करीब इसमें पानी डाला है और ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। आधा किलो के करीब, आधा किलो से ऊपर हमने ये तरबूज के छिलके लिए थे। 800 ग्राम के करीब ये छिलके होंगे। इनको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। ये हमने हाई फ्लेम पे ही इसे बॉईल किया है। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लग गया है। 3-4 मिनट बाद इसका कलर देखिए कितना चेंज हो चुका है। इसको और हम हल्का कलर करने तक पकाएंगे। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट हो चुका है ये। अब इसे हम इसे स्टेज पे से हम निकाल लेंगे और हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमने सब निकाल के प्लेट में रख लिया है। उसी कढ़ाई में हमने लिया है चीनी। चीनी हमने 1 पाव के करीब ली है। इसमें 1/2 गिलास के करीब हमें पानी डाला है। इसको कर लेंगे अच्छे से बॉईल चीनी घुलने तक। ये देखिए, चीनी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब इसी में हम डालेंगे तरबूज के ये पीसेस। इसको अब हम मीडियम आंच पे ही से हम पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में ही अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। ऐसे ही मीडियम आंच पे से हम इसी तरीके से मीडियम आंच पे से पकाते रहेंगे हम और चलाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद ये सीरम एकदम इन कैंडीज़ में अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये सीरम भी कम होने लगे है। देखिए, ये इसके रेड पोर्शन की वजह से ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और बच्चों को भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से बनाइए, बच्चे बार बार मांग के खाएंगे इसे और बार बार जिद करेंगे इस तरीके से बनाने की। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।